जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख पार शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी जिसे मिल जाएं उसे और चीज़ की तमन्ना क्या होगी। गुरु जी जिसे मिल जाएं उसे और चीज़ की तमन्ना क्या होगी। गुरु जी के सजदों में जो सिर झुक जाए उसे और कहीं सिर झुकाने की ज़रूरत क्या होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें गुरु जी की बेटी द्वारा ही व्हाट्सएप पर शेयर किए गए हैं। बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। पहला जो सत्संग है वो हमें चंडीगढ़ से आंटी जी ने भेजा है और आंटी जी का ये शुक्राना सत्संग है। तो चलिए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं चंडीगढ़ से हूँ, गुरु जी की बेटी, और मैं अपना सत्संग गुरु जी आपके मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया है, तो मैं आपको दोबारा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे बेटे की काफ़ी टाइम से, मेरा बेटा ठीक नहीं था, उसको कुछ किया हुआ था, ब्लैक मैजिक अपने नहीं किया था, पर गुरुजी कहते हैं कि मैं हूँ, टेंशन नहीं लेनी, मैं सब ठीक कर दूँगा, तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है। तो बहुत टाइम से इसके स्कूल से, बेटे के स्कूल से मुझे कंप्लेंट्स आ रही थी। बार बार टीचर्स के फ़ोन आते थे कि ये स्टडी में ठीक नहीं है, ये पढ़ नहीं रहा, ध्यान नहीं देता, कर नहीं पाता। तो मतलब 3-4 बार इसके कॉल आ चुकी थी स्कूल से, कंप्लेंट आ रही थी बार बार। तो स्कूल में मैम ने मेरे को बुलाया, इसकी समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं, तो मैम ने मुझे बुलाया। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो मुझे पता है कि मैं स्कूल में कैसे गई हूँ, डर डर के, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैम पता नहीं मुझे क्या क्या कहेंगे। तो मैं गुरुजी का स्वरूप साथ में लेके गई और गुरुजी को कह के गई कि गुरुजी अब आपने संभालना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, कहीं मैं रो ना पाऊँ वहाँ पे, तो गुरुजी आपने ही संभालना है। तो संगत जी, ऐसे हुआ कि जब मैं स्कूल में गई तो मैम ने बड़े प्यार से मुझसे बात की, और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोला मैम ने, मैम ने बस यही बोला है कि हम, आप भी ध्यान दो, मैं भी ध्यान दूंगी, दोनों ध्यान देंगे, लिख लेता है पर अभी ठीक से ये ओरल वगैरह नहीं कर पाता, तो हमने इस पे ध्यान देना है, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। तो मैं ये सुन के ना संगत जी बहुत खुश हुई, तो गुरुजी मेरे साथ साथ थे, और मतलब मेरे साथ थे 777-777, सब ब्लेसिंग मुझे मिलती गई जब मैं जा रही थी स्कूल में। तो गुरुजी की इतनी कृपा है, जब से गुरुजी के संगत बने हैं, गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, तो उस टाइम से मन खुश रहता है, बहुत खुश रहता है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था कि मेरी मम्मी का ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो गुरुजी साथ साथ में थे, तो ठीक ठाक हो चुकी है, मम्मी घर भी आ चुके हैं, आज मम्मी के जो स्टिचेज हैं वो खुलने हैं, तो हॉस्पिटल गए हुए हैं मम्मी, तो इसीलिए मैं यहाँ शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। तो मुझसे अगर कोई भी गलती होगी हो तो माफ़ करना। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो, आपने जो दिया है ना वो कोई नहीं दे सकता, आप ही मेरी मम्मी पापा, मेरी फ्रेंड, मेरे भाई बहन सब आप हो गुरुपा। मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है, सब ने छोड़ दिया है बहुत टाइम से, जब से मेरी शादी हुई है, शादी के बाद कोई भी मुझे बुलाता नहीं है। तो मैं सोचती रहती थी कि मैंने ऐसा क्या किया जो कोई मुझसे बात नहीं करता, मेरे हालात भी ख़राब हो चुके थे बहुत ज़्यादा, तो एक एक करके सब ने मुझसे बात करनी छोड़ दी। चलो कोई बात नहीं, पर मुझे मेरे गुरुपा मिले हैं, वही मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी फ्रेंड है, मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ।
और मुझे पता है मेरे बच्चे को वो जल्दी से, मेरा बच्चा नहीं उन्हीं का बच्चा है, उनका दोता है, तो उसको जल्दी से ठीक करेंगे वो ही, मैंने उन पे छोड़ा है। बस संगत जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी गुरु जी से सामने प्रार्थना करना कि वो मेरे बच्चे को ब्लेस करें, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, स्टडी में अच्छा हो जाए, उसकी कोई कंप्लेंट ना आए और मुझसे ठीक से बात करे, घर में प्यार से रहे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मन रहता है अभी भी, थोड़ा सा जिद्दी है और कई बार गलत बोलता है, पर मुझे पता है पहले से फ़र्क है उसको। मैं गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ उसको, और वो भी मंत्र जाप भी करता है गुरुजी का, शुक्राना भी करता है। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा चाहती, मुझे पता है गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, गुरुपा सब देख रहे हैं और उन्होंने ही उसको ठीक करना है। तो अब मैं अपना अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु मंत्र जी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, अब हम आपके सामने अगला सत्संग शेयर कर रहे हैं जो कि आंटी जी का शुक्राना सत्संग है, और आंटी जी के फ़ोन के लास्ट डिजिट नंबर है 1900। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पाके बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि जो तू चाहती है वह सपना तेरा पूरा होने वाला है। मैं बहुत दिन से बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं डॉक्टर पे गई थी, गुरु जी की कृपा से रास्ते में मैंने जितनी गाड़ियाँ देखी सब 7 नंबर की ब्लेसिंग। मैं गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा मेरे बेटे की तबीयत ठीक करो, ब्लेसिंग ब्लेस करो गुरुपा, ब्लेस करो। जैसे ही मैं दवा लेके बाहर निकली, जय गुरुजी वाली ब्लेसिंग वाली कार मेरे सामने दो, वो भी दो, यानी कि जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे बेटे ने, अंकल जी ने, मैंने इतना शुक्रिया किया, जय गुरुजी। गुरुपा हमेशा हमारी बातों को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। 4 साल का मेरा बेटा हो गया है, मैं उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की कह रही थी, बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन ही नहीं पा रहा था, कभी किसी कारण, कभी किसी कारण बस रुक ही जा रहा था। 4 साल से इतनी परेशान हो गई थी कि बीच बीच में मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने नहीं बनवा रही। तो लास्ट सैटरडे मैं बनवाने गई CMO ऑफिस, मैं रास्ते में बोली, मैंने गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा आज इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मेरे बेटे के लिए आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं बन पा रहा है इस वजह से। तो CMO ऑफिस गई, अंकल ने मुझे नगर निगम भेजा, तो वहाँ से फिर CMO ऑफिस गई दोबारा से, तो उन्होंने मुझे राय दी कि आप वो साइबर कैफे जाओ, उनकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट उसी सेम डे बन गया, अब वो 5 तारीख तक बन के आ जाएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जो कोई नहीं कर सकता वो मेरे गुरुपा कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी है जो गुरुपा से मांग रही हूँ। मैं मांगती नहीं हूँ लेकिन मानती हूँ गुरु जी को, मैं सिर्फ मानती हूँ, लेकिन गुरुपा जानते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या चाहिए, क्योंकि उसी खुशी से अपने बच्चे के लिए फ्यूचर सेट कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरुपा वो मुझे ज़रूर देंगे, वो मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी बोल भी रहे हैं कि जो तू चाह रही है वो तुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और गुरुजी पा के मैसेज भी आ रहे हैं, जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता। गुरुपा आपने ये मैसेज मुझे दे दिया तो मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। गुरुपा बस इस बच्चे को अब आप जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, 4 साल से दवाइयाँ वगैरह खाता जा रहा है, छोटी छोटी कुछ भी खाए हर चीज़ से बीमार हो जाता है। गुरुपा प्लीज़ ब्लेस करो इसके शारीरिक कष्ट, उस बच्चे अपने बच्चे का भी शारीरिक कष्ट, शरीर कष्ट सब दूर करो। गुरुपा हमें हेल्थ ब्लेस करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, अब हम आपके सामने अगला सत्संग शेयर कर रहे हैं जो कि हमें पंजाब से आंटी जी ने भेजा है, और ये आंटी जी का शुक्राना सत्संग है, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं पंजाब से हूँ, मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, ये मेरा पुराना सत्संग है, ये होली वाले दिन का सत्संग है। होली वाले दिन संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, मुझे वीडियो कॉल की, दो तीन वीडियो कॉल मेरे मोबाइल पे, जब मैंने देखा मोबाइल उठा के तो दो तीन वीडियो कॉल आई हुई थी। जब मैं बैकअप मैंने उसे वीडियो कॉल की तो उसने अटेंड नहीं की, तो जब उसका बैकअप फ़ोन आया तो उसने बताया कि पागल, मैं इसीलिए तुझे वीडियो कॉल कर रही थी क्योंकि मैं सत्संग पे गई हुई थी, वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप में ओम के दर्शन हो रहे थे, वो मैं तुझे दर्शन करवाना चाहती थी। तो संगत जी, मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ, मैं बता नहीं सकती। उसका फ़ोन रख के मैंने घर वालों को बताया, अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को, सभी बोल रहे थे कि हो हम गुरुजी के स्वरूप में ओम के दर्शन नहीं कर पाए। सभी को इतना अफसोस हो रहा था, सारा दिन मुझे फील होता रहा कि मैंने क्यों नहीं फ़ोन अटेंड किया, सारा दिन यही अफसोस रहा। और संगत जी, रात को जब मैं गुरुजी के मंत्र जाप करके और गुरुजी के सत्संग सुन के सो गई, और आधी रात को मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, और गुरुजी ने अपने दर्शन में मुझे ओम के दर्शन करवाए। गुरुजी के माथे पे मुझे ओम के दर्शन हुए, साक्षात प्रभु ने मुझे ओम के दर्शन करवाए, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली, संगत जी मुझे ओम के दर्शन करवा दिए गुरुजी ने, स्वप्न में ओम के दर्शन किए मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मेरा दूसरा एक मेरा और सत्संग है, मेरी बहन को, मेरी बहन की शादी हुए अभी 1.25 साल हुआ है। उसका घर वाला कोई कामकाज कुछ नहीं करता था, YouTube पे उसे मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरे पति को नौकरी ब्लेस कर दी है, जल्दी ही वो काम पे जाने लगेगा। और संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखो, दो तीन दिन में ही मेरे सिस्टर के हस्बैंड को नौकरी मिल गई, और मंडे को उसने ज्वाइन कर ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी बहन डुगरी मंदिर गई माथा टेकने अपने हस्बैंड के साथ, और वहाँ पे माथा टेक के जब घर आई, थोड़े ही दिन बाद गुरुजी ने एक उसे बेबी ब्लेस किया, वो अब प्रेग्नेंट है। हमें इतनी बड़ी खुशी हुई है संगत जी, बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। सभी घर वाले इतने खुश हैं क्योंकि ना तो मेरे भाई हैं, ना ही मेरे पापा हैं, हमारे घर में बहुत देर बाद इतनी बड़ी खुशी आ रही है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे भी मेरे बहुत सत्संग हैं, मैं और सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, अगला जो सत्संग है वो शुक्राना सत्संग है आंटी जी का, और आंटी जी के फ़ोन के लास्ट डिजिट नंबर हैं 3017। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 1 अप्रैल 2024 में जुड़ी हूँ। मैं बहुत परेशान थी, मेरे हस्बैंड और मेरी शुरू से लेके अब तक बनती नहीं है, 12 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनकी और मेरी मैच नहीं खाती हैं। उन्होंने बहुत
लड़ाई झगड़े मारपीट सब किया है मेरे साथ, तो इसलिए मेरे दिल से वो उतर चुके हैं। और मेरी दो बेटियां हैं जिनकी वजह से मैं उनके साथ रह रही हूँ। इसी बीच मेरी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री दी और शायद अंदर से बहुत दुखी थी मैं और के क्लोज चली गई, बहुत अपना मानने लगी। फिर एक दिन अचानक से उनका फ़ोन आता है और वो मुझे बोलते हैं कि मैं अब आपसे बात नहीं कर सकता। मैं टूट गई थी, बहुत रोई, बहुत डर गई। फिर ऐसे ही एक दिन यूट्यूब चला रही थी ऑफिस में बैठे बैठे, तो देखा गुरुजी का एक सत्संग था जिसमें कुछ लिखा था कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पढ़ा, मैंने कहा मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, ये कि उसे मैसेज फिर ऐसा हो रहा है। मैंने उसे खोल के सुना, मुझे सत्संग सुन के अच्छा लगा। उसमें कुछ चीज़ें मेरी लाइफ से जुड़ी थी बता रखी थी। मैंने एक दो सत्संग और सुने, मुझे अच्छे लगे। फिर मैं रोज़ गुरु जी का सत्संग सुनने लगी। अब मैं रोज़ गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ। मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी, ना मैं उनको गलत बोलूँगी। गलत मेरी तकदीर है जो मेरे साथ ऐसा होता है। मैं शायद अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ पिछले गलत के। बस आज भी मैं उनको बहुत याद करती हूँ। मैं भूल नहीं पाई उनको, मुझे लगता है कि शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊँगी उनको। अरे अरदास की है गुरुजी से, गुरुजी जानते हैं मैंने अरदास में क्या बोला है। मैं नहीं जानती वो अरदास कभी पूरी होगी या नहीं, लेकिन दिन रात कुछ इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन अभी मैं सत्संग सुनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सत्संग सुनना, गुरु जी का नाम लेना। मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था और मैंने सुना था कि गुरु जी का स्वरूप खरीदते भी नहीं है, पर लेकिन मैंने ले लिया है गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप। ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया एक ब्रेसलेट और एक पॉकेट स्वरूप। बड़ा स्वरूप नहीं है मेरे पास, तो मैंने वो पॉकेट स्वरूप ही अपने मंदिर में रख दिया है। क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो जल्दी जल्दी मैं घर से निकलती हूँ, कभी भोग लगा पाती हूँ कभी नहीं लगा पाती, लेकिन मैं अपनी बच्ची है मेरी उसको बोल कर आती हूँ, वो लगा देती है कभी कभी नहीं लगाती है। गुरु जी क्षमा करना मेरी गलतियों को, अपनी कृपा का हाथ मेरे और मेरे परिवार पे बनाओ। बस गुरु जी मैं इतना ही बोलूँगी और यही अपने सत्संग को विराम करती हूँ। एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता था कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे शुक्राना शिक्षण करते हैं, मुझे जो समझ में आया जो गुरु जी ने बुलवाया मैंने बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, अगला जो सत्संग है वो आंटी जी का शुक्राना सत्संग है और आंटी जी के फ़ोन के लास्ट डिजिट नंबर है 8805। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में काम वाले आंटी आते हैं जिनको मैं महीने में 3 से 4 दिन बुलाती हूँ। तो जब से मुझे गुरु जी से जुड़ के सिर्फ 2 महीने हुए हैं, मैंने जब से
गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैंने भी वो आंटी जी से कहा कि आंटी जी आप भी है ना काम करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप किया करो, उन्हें उनको पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं काम मुझे मंत्र बता दो मैं जाप करती हूँ, वो भी शिव जी को बहुत मानती है। तो उन्होंने मंत्र जाप किया, उनकी लड़की 10th में, उनको 4 बेटियाँ हैं बेटा नहीं है। तो बड़ी वाली लड़की का 10th का एग्ज़ाम था तो उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू किया और मन में बोलते गए वो कि उनकी लड़की के मार्क्स अच्छे आए वो पास हो जाए। तो गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी लड़की को बहुत अच्छे मार्क्स आए, हालांकि वो पढ़ाई में थोड़ी वीक है लेकिन फिर भी उसे बहुत अच्छे मार्क्स आए और उन्होंने एक एग्ज़ाम भी लिखा, उनकी लड़की ने एक एग्ज़ाम लिखा जिस एग्ज़ाम में मतलब वो हॉस्टल है, वो गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें बहुत कम एडमिशन मिलता और जो मिलता है उसकी लाखों रुपए सीट होती है। तो वो एग्ज़ाम दिया था उन्होंने अभी और वो लड़की उस एग्ज़ाम में पास हो गई और उसको वहाँ की सीट मिल गई। जो एक लाखों की सीट थी वो गुरुजी ने उनको ऐसे ही दिला दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जो आपने इतनी मतलब गुरुजी ने कहा, मैसेज आया मेरे पास में जब मैंने यूट्यूब खोला तो गुरुजी का कि तुझे ना बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वो जैसे ही कल आंटी मेरे पास में आए तो मुझे बताते हैं कि देखो भाभी आप मेरी बेटी को ऐसे सीट आई है, मुझे इतनी खुशी हुई ना, ऐसा लगा था बस गुरुजी ने पता नहीं क्या कर दिया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पर ही विराम करती हूँ। गुरुजी सरबत का भला कीजिए, सबके बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की दीजिए। ये जो आंटी जी हैं जो अपना सत्संग ये प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं इन्हें भी खुश रखिए, इनके बच्चों को भी बहुत तरक्की दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग जो गुरुजी की ब्लेस्ड बेटियों द्वारा शेयर किए गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसी के साथ हम आज के सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवा।